किसी को अपने मन पर बल पर बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, जिसको है वो सुखी है। जिसको परमात्मा चाहिए, अंदर संतोष है, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। अरबपति करोड़पति हो जाओ फिर भी आपको कष्ट है, अभाव है। दुनिया के जितने बड़े धनी हैं उनके पास भगवान जा कर बोले कि क्या चाहिए, कि नंबर वन धनी हो जाओ ऐसा चाहिए। इतना है फिर भी संतोष नहीं है, लेकिन मरने के बाद सब खाली जाएंगे। मरने के बाद कोई कुछ नहीं ले जाता है। धनी लोग थोड़ा सुखर का लकड़ी डाल देंगे, थोड़ा गाय का घी डालेंगे, जल्दी जल जाए, मेहरबानी नहीं करते। जल्दी जल जाए तो घर भेगे हों इसके लिए घी डाला जाता है और चंदन का लकड़ी डाला जाता है। बाकी चंदन का लकड़ी डालने से भी इसमें सुगंध नहीं आएगा, वो तो चमड़ी का ही सुगंध आएगा। ये आपकी हमारी हालत है, फिर भी कुछ ज्ञान नहीं है तो कभी कभी बसान में जाकर बैठना चाहिए, देखो क्या हालत है। कभी कभी बीमार ना हो फिर भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये कौन है कि बहुत बड़े साहब हैं, इनको कुछ हार्ट की तकलीफ हो गई, किडनी बिगड़ गई है, पेशाब नहीं उतर रहा है, प्रोस्टेट में तकलीफ है, तो यहाँ से नाली डाल कर उधर निकालता है, नाक में डाल करके उधर पास हो रहा है, सब फाड़ा हुआ है, चीरा हुआ है। इतने बड़े आदमी है फिर भी वहाँ जमराज का धाम है, हॉस्पिटल में ज्ञान होता है कि जो भूल करने से क्या क्या सजा होती है। आप स्वस्थ रहो और इसी शरीर से प्रभु का नाम लेते रहो और विदाई लो। आपसे जैसा कोई सुखी नहीं है, कोई समृद्ध नहीं है। शरीर मातम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ है तो सब समृद्धि है, सारा पैसा टका है। इसलिए शरीर को ठीक रखो, किसी के कहने में मत दौड़ो, भागो मत, अपने में रहो, सुखी रहोगे आप।